हेलो एवरीवन, लास्ट लेक्चर में हमने पढ़ा कि इंटर नेटवर्किंग कॉन्सेप्ट क्या होता है। आज हम पढ़ेंगे कि इंटर नेटवर्किंग डिवाइसेस क्या होते हैं। इंटर नेटवर्किंग डिवाइसेस वो डिवाइसेस होते हैं जो कि बहुत सारे कंप्यूटर्स को आपस में एक दूसरे से कनेक्ट करते हैं और साथ ही में शेयरिंग भी प्रोवाइड कराते हैं। हमारे पास कुछ इंटर नेटवर्किंग डिवाइसेस हैं जैसे कि स्विच, हब, राउटर, ब्रिज, रिपीटर, गेटवे एंड नेटवर्क इंटरफेस कार्ड। तो हम लोग बात करते हैं सबसे पहले स्विच की। जैसा कि हम लोग स्क्रीन पे देख सकते हैं, यह है स्विच का डायग्राम जिसके बेसिस पे हम लोग बहुत सारे कंप्यूटर्स को आपस में कनेक्ट कर सकते हैं। अब स्विच होता क्या है? यह एक हार्डवेयर डिवाइस है जो कि कंप्यूटर को आपस में कनेक्ट करने का काम करता है। स्विच को इंटेलिजेंट डिवाइस भी बोलते हैं क्योंकि यह डेटा पैकेट को डेस्टिनेशन कंप्यूटर तक भेजने के लिए मैक एड्रेस का यूज़ करता है। स्विच स्टोर एंड फॉरवर्ड मैकेनिज्म पे काम करता है। नेक्स्ट डिवाइस है हमारे पास हब। अब हब क्या होता है? यह भी एक हार्डवेयर डिवाइस है जो कि ISO OSI मॉडल की फिजिकल लेयर पे काम करता है और यह अनइंटेलिजेंट डिवाइस है क्योंकि यह डेटा पैकेट उससे कनेक्टेड सभी कंप्यूटर्स को भेज देता है। और यह दो टाइप के होते हैं, एक्टिव हब और पैसिव हब। नेक्स्ट है राउटर। यह भी एक हार्डवेयर डिवाइस है जो कि दो नेटवर्क को आपस में कनेक्ट करने के लिए यूज़ होता है। दो नेटवर्क को आपस में कनेक्ट करके एक लार्ज नेटवर्क भी क्रिएट किया जा सकता है राउटर की हेल्प से। राउटर ISO OSI मॉडल के नेटवर्क लेयर पे काम करता है। राउटर बेसिकली ट्रैफिक डायरेक्टरिंग का काम करता है। राउटर जो है वो एक राउटिंग टेबल मेंटेन करता है जिसमें सभी पॉसिबल रूट की एंट्री होती है। उन सभी रूट में से जो रूट सबसे बेस्ट होता है वो रूट सिलेक्ट करता है। इस मेथड को राउटिंग मैकेनिज्म बोलते हैं। जब भी राउटर डेटा पैकेट सेंड करता है, उन डेटा पैकेट्स में डेटा के साथ साथ डेस्टिनेशन एड्रेस भी प्रेजेंट होता है। नेक्स्ट डिवाइस है हमारे पास ब्रिज। ब्रिज क्या होता है? यह भी एक हार्डवेयर डिवाइस है जो ISO OSI मॉडल के डेटा लिंक लेयर पे काम करता है जिसमें फिल्टरिंग एंड फॉरवर्डिंग की भी कैपेबिलिटी होती है। ब्रिज मैक एड्रेस का यूज़ करता है और ब्रिज डेटा पैकेट पे नहीं, डेटा फ्रेम पे काम करता है। डेटा पैकेट पे राउटर काम करता है। ब्रिज डिफरेंट वेरिएंट में अवेलेबल होते हैं जैसे लोकल, रिमोट एंड वायरलेस ब्रिज। नेक्स्ट डिवाइस है हमारे पास रिपीटर। रिपीटर क्या होता है? यह भी एक हार्डवेयर डिवाइस है। बेसिकली रिपीटर का यूज़ जब होता है जब हमें नेटवर्क की लेंथ इंक्रीज करना हो, या हम ये भी बोल सकते हैं कि हमें सिग्नल की फ्रिक्वेंसी को इंक्रीज करना हो। रिपीटर जो है वो ट्विस्टेड पेयर और ऑप्टिकल फाइबर केबल दोनों पे काम करता है। नेक्स्ट डिवाइस है हमारे पास गेटवे। गेटवे क्या होता है? गेटवे हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर दोनों ही टाइप में हो सकता है। गेटवे जो है वो डिफरेंट टाइप के नेटवर्क को आपस में कनेक्ट करने का काम करता है। गेटवे सॉफ्टवेयर राउटर में इंस्टॉल्ड करा जाता है। गेटवे सॉफ्टवेयर राउटर में कनेक्टेड डिफरेंट नेटवर्क जो कि डिफरेंट प्रोटोकॉल पे वर्क कर रहे हैं उनमें कम्युनिकेशन प्रोवाइड कराता है। इसे हम लोग प्रोटोकॉल कन्वर्टर भी बोलते हैं। नेक्स्ट डिवाइस है हमारे पास नेटवर्क इंटरफेस कार्ड। नेटवर्क इंटरफेस कार्ड जिसे हम लोग शॉर्ट फॉर्म में NIC भी बोलते हैं। अब ये NIC होता क्या है? यह भी एक हार्डवेयर डिवाइस है जो कि हमारे कंप्यूटर कैबिनेट में लगा होता है। अगर नहीं लगा हो तो हम इसे अलग से